हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मूर्तिकार से मिलवाऊंगा। उन्होंने बहुत ही शानदार मूर्तियां बना रखी है जो इस पार्क में 8-10 दिन बाद लगने वाली है। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। ये पार्क का वीडियो तो पूरे का नहीं बना सकते अब, क्योंकि पार्क का वीडियो केवल उद्घाटन के बाद ही बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको मूर्तिकार से मिलाऊंगा। ये देखो, शेर की मूर्ति कितनी शानदार बना रखी। चलो, अभी मैं पहुंच गया उनके पास। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सोहन पंडित। सोहन पंडित, कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार। ये महिला की मूर्ति बनाई है, अभी इसको पेंटिंग कर रहे हैं भाई साहब। ये चक्की पीसती हुई अम्मा बना रहे हो? और क्या क्या सर? ये शेर बाघ है। ये बाघ है, शेर वो हो गया। अच्छा, वो शेर है। बताइए, ये देखो कितनी सुंदर हाथ से बनाई हुई मूर्तियां हैं। हाँ जी, ये बच्चे की है जी। अच्छा, और वो नीचे शेर का बच्चा, बिल्ली बनेगा। बिल्ली हाँ। बिल्ली बनेगा, अभी बना नहीं है ना। हाँ। और ये जेबरा है। हाँ, ये जेबरा है। अच्छा, बहुत सुंदर बनाया सर। और आगे डियर हो गया। हाँ जी, हाँ जी, भालू। ये और ये गांव में हुक्का पीते हैं ना? ये हुक्का पीते हरियाणा के ताऊ। ताऊ है, हरियाणा के ताऊ। और वो आगे ये बच्चा है, ये भी बच्चा है। हाँ। अभी जब ये सही से लगेगा तब पता चलेगा ना। हाँ। जिस लोकेशन पे लगेगा। हाँ, ये खरगोश के साथ खेल रहा है। अच्छा अच्छा, खरगोश के साथ खेल रहा है। हाँ, हाँ जी भाई साहब, चलो इधर आइए। और आगे आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रहलाद कुमार हुआ। हाँ जी, कहाँ से? बेगूसराय, बिहार। बेगूसराय। कितने सालों से ये आप जो मूर्तियां बना रहे हो? लगभग 4-5 साल से। 4-5 साल से? 4-5 साल में इतनी अच्छी बनाने लग गए? नहीं, मैं काम तो कर रहा हूँ बचपन से। अच्छा अच्छा अच्छा, बचपन से काम कर रहे थे। यहाँ पर 5 साल से बना रहा हूँ। 5 साल से यहाँ आते हो आप रिफाइनरी में ना? जी। हाँ जी, हाँ जी। ये सारा कितने दिन में बनाया है सर आपने? ये इधर मोर है, सारे कंप्लीट। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। एक महीना लग जाता है। एक महीना कंप्लीट करने में। ये बालू अभी बन रहा है, अभी पेंटिंग वगैरह हुई नहीं है। हाँ, इसमें बाल लगेगा। हाँ जी, बाल भी लगेगा ना। ओरिजिनल बाल लगेगा। हाँ जी सर, और बताइए सर। और ये गुड़िया है इधर, और क्या क्या बना रखा है सर इधर आपने? ये पेंटिंग करते हुए बच्ची है। अच्छा, ये बच्ची पेंटिंग करती हुई है। और इधर ये वो खाना बनाएगी। अच्छा, ये रोटी बना रही है। अच्छा अच्छा, ये और वो ये क्या है? हिरण। हाँ, ये हिरण है। हिरण है। और ये खरगोश है। ये खरगोश बहुत ही सुंदर, ऐसे लग रहा है जैसे मतलब एकदम सेम हूबहू। और ये भी हिरण है, बारहसिंगा टाइप में। और ये परी की फोटो अभी तैयार हो रही है। अभी बनी नहीं। बहुत सुंदर बनाते हो सर, है ना? और वो रेहानो, आपका क्या नाम है भाई साहब? राकेश कुमार। राकेश कुमार, मेरा नाम भी राकेश है। आप पेंटर हो? हाँ, पेंटर बनाते भी है, रहते भी है। अच्छा अच्छा, मूर्तियाँ बनाते भी हो? ये शकुंतला है। शकुंतला है, और वो तो परी की फोटो है ना? हाँ, वो परी बनी है। अच्छा अच्छा, और ये इस साइड में जो ये खेत से गाय के लिए चारा ला। अच्छा, ये गाय के लिए चारा लाएगी। अभी ऊपर टोकरी वगैरह वो लगानी है आपको, है ना? हाँ, वो लगाएंगे। और वो जो महिला है वो पानी लेके आ रही है ना? लेके आ रही है। अच्छा, और ये हांडी में क्या है? पानी इसमें भी? हाँ, बहुत ही अच्छे कलाकार, मूर्तिकार। हाँ जी सर, मूर्तिकार। ये शेर है। ये शेर अभी मतलब इस पे पेंट नहीं हुआ है ना? नहीं, पेंट होगा। वो बहु शेर। इसमें खर्चा कितना का जाता है सर एक मूर्ति में? जैसे ये शेर बनाना है, इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? लगभग 5-6 हजार रुपये खर्चा आ जाएगा। लेकिन ये ज्यादा समय चलेगी नहीं है ना? नहीं, ये नहीं चलेगी। ये में क्या क्या लगा हुआ? इसमें पराल है। हाँ जी, मिट्टी से काम किया गया है, भूसे वाली मिट्टी लगता है। और जो ये मूर्तिकार है, ये बहुत ही मेहनत करके इन मूर्तियों के अंदर जान डाल देते हैं। मतलब एकदम ऐसे लग रहा है जैसे जिंदा ही है। बहुत ही सुंदर काम करते हैं। ठीक है सर, आइए। उस साइड ये पहाड़ के ऊपर क्या बनाया है? इधर भी मूर्तियां बनाई है ना? ये टाइगर है। अच्छा, ये टाइगर है। वाटरफॉल करेगा। अच्छा, मुंह से वाटरफॉल। हाँ। करेगा। और ये
और ये ऐसे ही बगुला टाइप में है ना, बतख टाइप में बनाया है, बतख टाइप में। वहाँ गणेश जी है, वो उधर गणेश जी महाराज है, गणेश जी है। हाँ जी सर, ये बगुला टाइप का ही बतख टाइप में बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी सर। और उधर पानी उसके मटके से गिरेगा। ये माँ गंगा की मूर्ति बनी हुई है। जब ये पार्क पूरा तैयार हो जाएगा, जब इसका उद्घाटन होगा, तो यहाँ से नदी बहती हुई दिखेगी। और ये सब मूर्तिकार प्रहलाद, सोहन, राकेश और मिथुन बेगूसराय बिहार से आए हैं और यहाँ पे मूर्तियाँ तैयार करेंगे। जब ये मूर्तियाँ बनकर तैयार हो जाएगी और अपनी सही पोजीशन पार्क में लग जाएगी और पार्क का उद्घाटन हो जाएगा, तो ये मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। अगली वीडियो आप ज़रूर देखना। और दोस्तों, आपने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करना। धन्यवाद।